बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ी फैशन कलेक्शन। फ्रेंड्स, जिस तरह हम दर्जी ट्राउज़र की स्टिचिंग करते हैं, इसी तरह मैं आज आपको ट्राउज़र स्टिचिंग करने के कुछ बुनियादी असूल बताऊंगा। तो फ्रेंड, वीडियो के किसी भी पॉइंट को बिना स्किप किए देखना है, तो चलें शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये ट्राउज़र का जो खला टांका होता है, यह हमने लगा ली है। एक पीस बड़ा होता है, एक छोटा है, इतना तो आपको ही पता होगा। और अब इसके बाद हम आपको बताएँगे कि अगर आपने ये दूसरे जो पले हैं इसी तरह आपने स्टिच किए तो वो ख़राब हो जाएंगे, आपका ट्राउज़र ख़राब हो जाएगा। तो ये छोटी सी गलती है मगर बहुत बड़ी गलती होती है। तो ये देखें, ये एक पीस बड़ा होता है, एक छोटा होता है। अगर इसका भी हम ये दूसरे का जो बड़ा पीस है वो नीचे की तरफ है और जो छोटा पीस है वो हमने ऊपर की तरफ रखा है, अगर हम इसका भी जो छोटा पीस है वो ऊपर और जो बड़ा पीस है सेम उसी तरह जैसे पहले हमने जो पले अटैच किए हैं इस तरह भी उनको भी स्टिचिंग किया तो यह ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसका यह जो छोटा पीस है यह नीचे की तरफ होना चाहिए और बड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए। जो आप पहले पला स्टिचिंग करेंगे उसका छोटा पीस नीचे और बड़ा ऊपर हो तो दूसरे का उसी तरह सेम नहीं करना है। दूसरे का पहले अगर आपका बड़ा पीस नीचे है तो दूसरे का बड़ा पीस ऊपर होना चाहिए, यह बात आपने लाजमी याद रखनी है। अब फ्रेंड्स, हम इन पलों का जो बड़ा पीस है वो ऊपर की तरफ रखेंगे और छोटा पीस नीचे की तरफ रखकर इसका जो खला टांगा है यह लगाएंगे। यह आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर ट्राउज़र की स्टिचिंग और कटिंग की वीडियो अपलोड की हुई हैं जो मुकम्मल तफसील के साथ बनाई है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अक्सर जो लोग होते हैं वो आसन का टांगा लगाते हैं, लेकिन यह गलत है। आपने अक्सर रेडीमेड सूटों को भी देखा होगा, उनका भी ऐसे तरह सिलाई होता है जैसे मैं आज आपको दिखाऊँगा। तो आपने यह टांगा लगाने के बाद इसका पंज जो है वो फोल्ड करना है। तो अभी हम इसका पंज का जो कपड़ा है वो फोल्ड करेंगे। आप पंच का ये जो फोल्डिंग वाला कपड़ा है इसको आप इस्त्री की मदद से प्रेस करके तुरपाई भी कर सकते हैं और इसके ऊपर टांका भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, ये हमने एक पांचे को फोल्ड करके ऊपर से टांका लगा लिए है और इसी तरह हम दूसरे पांचे को भी फोल्ड करके टांका लगा लेंगे। तो ये हमने दोनों पांचे तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद अक्सर लोग आसन का टांका लगाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ से इस पांच का जो ऊपर की तरफ टांका है ये लगाएंगे। आपने भी ये लगाना है अगर आप अच्छा ट्राउज़र बनाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की नए नए डिज़ाइनों पर वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आ रही है तो बेशक सब्सक्राइब ना करें। तो अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद इसके आसन का हम टांका लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं, अभी हम यह टांका आपको लगाने का तरीका बताएंगे। तो ये इस तरह हमने बराबर करने हैं और इसके आसन का टांका लगा लेना है। बाकी बिल्कुल सिंपल ही है, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ये मैंने आपको आज बता दी हैं। अगर इसके अलावा आप मेरी मुकम्मल वीडियोज़ पर देखना चाहते हैं ट्राउज़र की कटिंग की और स्टिचिंग की, तो मैं उन दोनों को एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप वहां जाकर मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड, बस इतना ही आपको समझाना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए है टाटा बाय बाय।